राजधानी लखनऊ और महानगर कानपुर के बीच स्थित उन्नाव से लोगों का दिल्ली मुंबई का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उन्नाव रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कम होने से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यात्रियों की समस्या को लेकर उन्नाव सांसद ने 3 माह पहले रेल मंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली दरभंगा को जाने वाली ट्रेन के ठहराव की मांग की थी। सांसद के पत्र को संज्ञान में लेकर रेल मंत्रालय ने ट्रेन ठहराव की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने बीते 5 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा के मध्य संचालित होती है, लेकिन इस ट्रेन का स्पॉटेज उन्नाव रेलवे स्टेशन पर ना होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्नाव के ज़्यादातर लोग दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं। आपको बता दें कि सांसद ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें अक्सर ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है। दरभंगा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी की थी। करीब 3 माह बीती देर रात सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का रेल मंत्री ने संज्ञान लेते हुए उन्नाव रेलवे स्टेशन पर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की अनुमति दे दी। वहीं उन्नाव में ट्रेन ठहराव की जानकारी होते दिल्ली को सफ़र करने वाले यात्रियों समेत उन्नाव वासियों ने सांसद साक्षी महाराज के द्वारा किए गए ट्रेन ठहराव के प्रयासों की सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।